गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हालचाल है। हम लोग उठ चुके हैं भाई। मॉर्निंग हुई 12 बजे क्योंकि नाइट हुई थी 5 बजे। तो पत्ते उत्ते खेले थे हमने रात को। हाय स्वीटी, गुड मॉर्निंग। सो ऑल ऑफ देम आर अप। हम लोग ऊपर ऐसे सोए थे बिस्तरे बिस्तरे डाल के, और अब जा रहे हैं नीचे। नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर देखते हैं क्या सीन है। आई हैव टू लीव, थोड़ी देर में निकलेंगे घर। सो आज खाया हमने आलू और कचौड़ी। ऋषिक आपने क्या खाया? भालू और कचौड़ी। भालू? भालू तो ये रहा। भालू कैसे खा लिया आपने? थैंक गॉड इसने देखा नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मा, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग कार्तिक। तुमने ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया क्यों? So we have left from baby Masi's house और आज 2 अक्टूबर को भी पूरी लाजपत नगर मार्केट, 2 अक्टूबर को भी पूरी लाजपत नगर मार्केट इज ओपन। स्टिल वेरी, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, आज गांधी जयंती है, तो हम लोग निकल चुके हैं। एंड वी लेफ्ट इन नाइट सूट सोनली। बट अब हमारे निकलने के बाद सेठी साहब को याद आया दैट ही वांटेड टू सी समथिंग। सो आई डोंट नो, ही विल बी गोइंग। सर विल बी गोइंग। हां, मैं सिर्फ देखना आता हूं कि मेरे को शूज मिले। तो यहाँ पे मेरा फेवरेट प्लेस है और बहुतों का फेवरेट प्लेस होगा, स्टाइल शूज। तो मुझे ये वन वे तो नहीं है भाई? नहीं, अगर शूज देखता हूँ मैं, अगर कुछ मिल जाता है अच्छा तो आई विल टेक इट। स्टाइल खुला भी होना चाहिए ना उसके लिए। तो आओ दादा, आ ही गए हैं नाइट शूट में। इतना अजीब लग रहा है। वी हैड नो प्लान्स ऑफ कमिंग स्टिल। हेलो दोस्तों, सो हम लोग आ गए थे घर शाम को, और इसके बाद अब हो रही है रात के बज रहे हैं कुछ 9 बजे के करीब। और रिदा गई है सो, आज चलाया सेठी साहब ने रिदा को। सेठी साहब से भी अब आपको थोड़ी देर में मिलाती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है बट ही विल टेल यू, वही बताते हैं आपको क्या हुआ है इशू। और अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे। रिदा को बस सुला के नीचे जाके, नीचे बनी हुई आई थिंक पाव भाजी, वी गोइंग टू हैव दैट। सो विद सी स्लीपिंग। टाइम इज 9:15। ओके जी, ते मिलते हैं नीचे जाके थानों। जैसे कि मैंने आपको घर में बताया कि हमारे घर में बनी है पाव भाजी। यार तूने बनाई माला? है माला ने बनाई है पाव भाजी। और अब हम बैठ रहे हैं खाने के लिए। इसको मैं डाल लेती हूँ किसी बड़े वाले बोल में। बोल रहे ये हेलो हेलो, कैसी बनी? बहुत अच्छी है, अमेजिंग। हाँ, मैंने बताया, मैं कहा राहुल का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सेठी साहब ही बताएंगे खुद। मेरी पीठ में यार स्पाज़म आ गया, दर्द आ गया। तो वो साल में एक बार ही होता है ऐसा कि 4-5 दिन के लिए फिर मैं रेस्ट करता हूँ। तो अभी बहुत दर्द है। अभी आज रात को मैं नीचे सोऊंगा बिस्तर लगा के और पैर ऊपर करके। तो 3-4 दिन लगेंगे। आई थिंक इट शुड बी फाइन। रेगुलर एक्सरसाइज करते नहीं है। भारी चीज उठाई नहीं क्या? नहीं, सिर्फ कमजोर भी लग रहा हूँ। खाओ, एक और पाव ले लो, शायद दूर हो जाए कमजोरी। हाँ। मक्खन तो नहीं, ये ठीक है। हाँ। धन्यवाद बहुत-बहुत आप लोग इतना सोचते हो मेरे बारे में। हाँ हाँ, खाओ खाओ, कमजोरी दूर करो। थैंक यू। ऐसे सो गए? हाँ। क्या चाहिए? He's going to sleep like this. बाम लग रहा है सबकी पीठ पे। हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं सुबह उठ के गया था कहीं पे, फैमिली में डेथ हो गई है फिर से किसी की, तो आई हैड गॉन देयर। और आप लोग जानते हो उन्हें, इट्स बेसिकली मंशाज एंड अंकुश फादर, इन द सेंस मंशाज फादर इन लॉ एंड अंकुश के फादर की डेथ हो गई। ही वॉज इन वेल एंड काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। Yesterday we lost him. अभी अंकुश recently ही गया था साउथ अफ्रीका, so he had to come back. 10-12 दिन हुए थे उसको पहुँचे हुए, for work he had gone there. तो he came back and then आज उनका वो था लास्ट राइट्स क्रेमेशन थी, तो हम लोग सारे वहीं गए हुए थे और अभी आए हैं, बस अभी फ्रेशन अप हुए हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम मोर रेस्ट बिकॉज मेरी बैग जो है वो काफ़ी हिली पड़ी है, और रेस्ट उस लेके फिर एक दो दिन में देखते हैं कब ऑफिस रीजॉइन करते हैं। कीप यू पोस्टेड, आपको तो देखता रहेगा कब तक मैं हूँ घर, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बट येस, अ सैड डे येस्टरडे एंड टुडे ऑल्सो, बट आई थिंक जो भगवान ने चाहा होता है वही होता है। तो we should always be happy in his decisions and we should think that, you know, there is always something good in whatever he decides for us. तो उस नोट पे चलते हैं। अब सिमर लगा रही है मेरा बिस्तरा, अभी मैं आया हूँ गाड़ी में बैठ के। वी हैड गॉन टू गुड़गांव, ताऊजी ताई जी के साथ गए थे और विक्की भैया के साथ, बिकॉज आई कुडंट ड्राइव एंड नाउ आई एम बैक। सो अब जाके बस यू नो आई जस्ट रिलैक्स फॉर अ वाइल और फिर खाना खुना खाएंगे शाम को उठ के। अभी तो 2 परांठे खा लिए थे मैंने गाड़ी में, दर्द बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ चल रही हैं, देखो कितनी जल्दी आराम आता है, लेट्स सी। बाहर भूकंप आ रहा है भाई, बाहर निकल, बंदे से उठा नहीं जा रहा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। पहली बारी लगा ये देखो कमर टूटी है, बंदा डरता कितना मरने से, देखो बाहर आ गया कैसे भाग के। बाहर आ जाओ भाई, बाहर भूकंप आ रहा है भाई, मैंने तो पहली बार ऊपर आ जाओ, नीचे भागते हैं लोग तो ऊपर बुला रही उन्हें। मुझे लगा क्या हो गया भाई, लोग आए नहीं, बाहर निकले नहीं, राहुल पता नहीं चला ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होने लग गया यार, उतर रहे हैं देखो सीढ़ियों वीडियो से, दुनिया पब्लिक उतर रही है, बाहर बाहर निकल गए हैं लोग अपने। ऊपर वाले तो बस छत पे चढ़ के देखने लग जाते हैं क्या हुआ, कौन उतरेगा 4 फ्लोर, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। हाँ वो इट्स नॉट गुड, बट बाय द टाइम वो होता है तब तक चला जाता है। सबसे ज्यादा डेंजर में ग्राउंड फ्लोर वाले होते हैं, सबसे ज्यादा सेफ टॉप फ्लोर होता है, क्योंकि ये ऐसे गिरेगा ना। हाँ। तो आप तो ऊपर, तू तो खड़ा खड़ा ही होएगा, उतने नीचे जाके खड़े ही होएगा है ना, नहीं खड़ा नहीं होगा। आया बड़ा सबसे ज्यादा सेफ होता है आपको, मतलब ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और तू फिर ऐसे जंप मार जाएगा, कूद जाएगा और आप ऐसे नीचे उतर जाओ डेब्री से, बहुत बढ़िया ऐसा होता है, तुम्हें पता भी नहीं है ऐसा। हवा भी चल रही है, भूकंप भी आ रहा है, चलो लोगों की खोजबीन करें, गूगल करें, गूगल पे अभी तक तो बहुत आ गया होगा अर्थक्वेक इन दिल्ली, अर्थक्वेक इन दिल्ली, देखो कितना आया जाके। गंदे शीशों पे है हमारा सूरज। सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो टाइम हो चुका है इस समय 5:40 का, और हम लोग जा रहे हैं अपने आस पास वाले कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग रिज्यूम करने के लिए। मम्मा मैं वो जो स्केटिंग का नाम नीरज सर। सो देखते मिल सकते हो, देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर स्विमिंग का होता है तो मी एंड रिदा इफ यू कैन डू इट ओवर योर, शुरुआत की थी बट वही कान वान की प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब जाके दोबारा कोशिश करते हैं, डुबकी लगाते हैं और ठंडा ठंडा पानी हमारे, ठंड भी आ गई है। सबसे पहले जाके मैं भागूंगी नीरज सर। जी नहीं, आपने कहीं नहीं भागना, you have to listen to us, okay? Mama, last में हम नीरज सर को मिल सकते हैं। We'll see Radha। हेलो दोस्तों, सो हम गए तो थे वहाँ पे अपना पता करने के लिए स्विमिंग के लिए, बट हुआ दरअसल ये कि बिकॉज सर्दियाँ आ गई हैं तो लॉट ऑफ प्लेसेस यू नो उनके स्विमिंग पूल वो सितंबर में बंद कर देते हैं बहुत सारी जगहों के, और कईयों के तो अक्टूबर में बंद हो रहे हैं, तो हमारे वाला जो था वो सितंबर में बंद हो गया था, इस वजह से हम ऐसे ही वापस आ गए। और रिदा बहुत रो रही थी आने के बाद, बिकॉज वो लेके गई थी अपना पूरा ट्यूब व्यूब और पहन के गई थी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम, तो उसको हो गया कि हम उसको जानबूझ के नहीं करा रहे हैं, ऐसा सा उसको लग रहा था कि हम ऐसे बस उसको वापस ले आए हैं। सो वो आई और उसके बाद शी स्लेप्ट एट अराउंड 6:30 ओनली। एक्चुअली जब आज स्कूल से भी आई थी तब भी वो बोल रही थी कि मुझे सोना है, बट सोई नहीं थी, तो आज सो गई, बिना खाना खाए सो गई। मैं देखूंगी अगर उसको रात को ऐसे उठा के ऐसे नींद में खाना खिला दूंगी। ठीक है जी। बाकी सेठी साहब की तबीयत ख़राब ही चल रही है, बैक एक का इशू चल रहा है, उनका बिस्तर मैंने लगा दिया है नीचे। और वही बात कराते हैं आपकी सेठी साहब से, भी सेठी साहब खुद बताएंगे क्या ऐसा फील कर रहे हैं। बैठे मेरे सामने खाना खा रहे हैं, मेरी शक्ल देख रहे हैं कि मैं इतना कैसे बोल लेती हूँ। बट ये टैलेंट आए भाई, कान में तो भी दर्द हो रहा है। टैलेंट है ये मेरा, टैलेंट। हेलो, क्या हाल चाल? बुरा हाल है। कल ऑफिस का क्या सीन है? नहीं जाओगे? हाँ, पॉसिबल नहीं है। तुमने मूवी बॉक्स ले ली थी आज? 100 ली थी, कभी लूंगा। हाँ, देखता हूँ बाकी। तो देखो, यू नीड टू डू सम एक्सरसाइजेस टू यू नो अपनी वो बॉडी, बैक की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए, बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए तुम्हें यू नीड टू डू एक्सरसाइजेस। तो वो तो साल में जब ऐसा होगा सोचते हैं इसके बाद करेंगे रोज सुबह उठ के, और फिर भूल जाते हैं क्योंकि साल में एक ही बार होता है। पर जब होता है तो वो बहुत गंदे वाला होता है राहुल, यू नीड टू सी। अभी तो चल एज है, चार लोगों ने टोका क्या ये आपके बैक में दर्द हो रहा है अननोन, मतलब ये अननोन हो रहा है इन द सेंस। जब तू चल रिलेशन पे गए थे वहां पे एक आंटी ने बोला कि आपकी बैक में दर्द है क्या, और नीचे बालकृष्ण भैया ने भी बोला कि बैक में दर्द है। चार ही बदली दिया, स्टिफ और खेते, मतलब मैं बता नहीं रही थी, बम थोड़ी बाहर की साइड आ गए हैं, घुटने हल्के से मुड़ गए हैं और बैक ऐसे झुक गई है। वो हो गए थे चार। मेरे को पता नहीं क्या चल रहा है मेरी। 2 दिन से तूने मेरे को पूछा तेरी तबीयत कैसी है, मैं दवाइयों पे चल रही हूँ। कौन सी दवाई पे चल रही है? अपना दिखता है भाई सबको।